सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर अतिथि शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति के लिए सरकार ने 3 दिनों का समय दिया था। 16 से 18 तारीख तक ऐसे आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने थे, लेकिन सरकार द्वारा तय किए गए इस समय में से एक भी दिन लिंक नहीं खुलने के कारण अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन करने वाले आवेदन वंचित रह गए। इस व्यवस्था पर आक्रोश जताते हुए अतिथि शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी भूपेंद्र सिंह पवार ने बताया कि आवेदकों से ऑफलाइन ही आवेदन लेकर प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी तरह से आवेदन मांगे थे, लेकिन गत वर्ष भी इसी तरह के हालात बने थे। दरअसल अधिकांश स्कूलों में अधिकांश शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण यहाँ के हालात खराब हैं। कई स्कूल तो महज एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में अतिथि शिक्षकों की भर्ती में ये ऑनलाइन का पेच परेशानी बन गया है। ये परेशानी सिर्फ आवेदकों की ही नहीं बल्कि उन तमाम स्कूलों की भी हो गई है जहाँ के लिए ये आवेदन करने वाले थे, क्योंकि इनके समय पर नहीं पहुँचने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी होगा। भूपेंद्र सिंह पवार, संघ का जिला मीडिया प्रभारी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अतिथि शिक्षकों के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई, इसमें हमको दिनांक दी गई कि 16 से 18 के बीच में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी थी, स्कोर कार्ड निकाल के स्कूलों में आवेदन देना था। तो जिसके लिए अभी तक साइट ओपन नहीं हो रही है, तो आवेदन कैसे करें और आज इसका अंतिम दिन है, तो या तो ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद किया जाए या फिर जो अतिथि शिक्षक जहाँ कार्यरत है उनको यथावत रखा जाए।